हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपी बाई संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए रोटी से क्रिस्पी पकौड़े। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पकौड़े बनाने के लिए। ये मैंने 4 रोटी ली है जो बच गया था, और ये 100 ग्राम बेसन लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, ये आधा छोटा चम्मच चाट मसाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर है, और ये ऑयल लेंगे हम फ्राई के लिए। सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए हम घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। बेसन है, प्याज लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और चाट मसाला हम बाद में यूज करेंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गाढ़ा घोल तैयार करना है। ये घोल को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। आप देख सकते हैं कि इतना गाढ़ा रखना है इसे हमें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो हम रोटी को अपने पसंद के अनुसार पीसेस में काट लेंगे। आपको जैसा पसंद हो वैसा पीस बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। पकौड़े फ्राई करने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल रख के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम पे कर लेते हैं। अब रोटी के एक एक टुकड़ों को उठाते हुए ऐसे बेसन में डिप करना है और ऑयल में आराम से रखते जाना है हमें। एक बार में जितना अच्छे से फ्राई हो पाएगा उतना ही रखेंगे हम। जब हल्का सा नीचे से ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। अब एक एक करके इसको पलट लेंगे। इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ऐसे ही करते हुए हमें सारे रोटी के पीसेस को फ्राई कर लेना है। मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं और फ्राई करके मैंने एक न्यूज़पेपर पे निकाला है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। बचे हुए रोटी के पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी बना है। ऊपर से हल्का सा हम चाट मसाला छीट लेंगे और अपनी पसंद के अनुसार हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।